गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्स लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सटन बाय जीएचसी का फेस टोनर का रिव्यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे, कैसे वर्क करता है एंड इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएचसी ब्रांड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जीएचसी गुड हेल्थ केयर ब्रांड है जो कि टू कैटेगरीज में डिवाइड है, मैन एंड वुमेन। इसमें आपको स्किन केयर, हेयर केयर, वेट मैनेजमेंट एंड और भी कैटेगरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसकी साइट पर जाकर एक्सपर्ट कंसल्ट भी ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन्हीं की साइट से आप प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सबसे पहले इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। ये वाइट कलर की प्लास्टिक की राउंड बोतल है। इसी बोतल पर इसके की इंग्रेडिएंट PHA, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, अमीनो एसिड्स, इनकी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है कि ये आपकी स्किन पर कैसे वर्क करते हैं। PHA स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके उसे स्मूथ एंड रेडिएंट बनाता है। सिनामाइड स्किन को मॉइस्चराइज करने एंड ब्राइटनिंग करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हाइलुरोनिक एसिड, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, वाटर को होल्ड कर रखता है आपकी स्किन में, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। नेक्स्ट अमीनो एसिड, आपके फेस पे जो फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, इन सभी को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को सूदिंग करने के लिए, पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स को रिड्यूस करने के लिए, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो भी यहाँ पर आप इसी बोतल पर देख सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पर मेंशन है एंड ये SLC फ्री है, पैराविन फ्री है, 100% वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है। इसके प्रोस की बात करें तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें नाइसिनामाइड है जो स्किन के pH लेवल को रीबैलेंस करता है एंड इस टोनर को फेस पर यूज़ करने के बाद काफ़ी लाइट फील होता है। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, ड्राई नहीं होने देता है एंड इसे यूज़ करने के बाद फेस पर एक नेचुरल ग्लो आता है। नाउ हाउ टू यूज़ टोनर को कैसे यूज़ करना चाहिए एंड इसका मेन वर्क क्या होता है आपके फेस के लिए। तो सबसे पहले हाउ टू यूज़, इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, इसके बॉक्स पर भी डायरेक्शन दी हुई है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपको अपना फेस अच्छे से वॉश करना है एंड सेकेंड स्टेप है आपको एक ड्राई पैड लेना है, उसके ऊपर टोनर की थोड़ी सी ड्रॉप्स डालनी है। इस पैड पर मैंने अभी अपने फेस पर इस टोनर को यूज़ किया है, मैं वही पैड ले रही हूँ एंड इस पर थोड़ी सी मैं टोनर की ड्रॉप्स डालूंगी एंड आपको अपने हाथ पर इसे अप्लाई कर दिखाऊंगी। आपको जेंटली अपने फेस पर इसे टैप टैप कर अप्लाई कर लेना है या फिर आप फिंगर्स की हेल्प से भी इसे मसाज करते हुए जेंटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये मेन वर्क क्या करता है, आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हें लॉक कर देता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, एक तरीके से पॉलिश कर देता है आपकी स्किन को। इसे यूज़ करने के बाद काफ़ी फ्रेश फील होता है। टोनर यूज़ करने के बाद आपको अपना नॉर्मल स्किन केयर करना है, सीरम यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है एंड उसके बाद सनस्क्रीन यूज़ करना है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 499 का है, आफ्टर डिस्काउंट आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये मिल जाता है एंड ये GHC की साइट पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर हर जगह अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इसे परचेस कर सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कर भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैं इस प्रोडक्ट को हाईली रिकमेंड करूंगी बिकॉज अगर आपके हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपको डेफिनेटली एक बार इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए। ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है, स्किन पर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दी अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।